नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi K75G versus Vivo V45G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K70 में 6.33 इंच जबकि V40 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.95 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो K70 में 0.32 इंच जबकि V40 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो K70 में 209 ग्राम्स जबकि V40 में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो K70 में OLED जबकि V40 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K70 में 6.67 इंचेस जबकि V40 में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K70 में 1440x 3200px QHD+ और V40 में 1260x 2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K70 में 89.09% जबकि V40 में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K70 में 526 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V40 में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K70 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और V40 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K70 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V40 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो K70 में Adreno 740 जबकि V40 में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K70 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और V40 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो K70 में 12GB जबकि V40 में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी K70 में 5000 mAh जबकि V40 में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो K70 में 4 कलर्स जबकि V40 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K70 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 31,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें V40 की तो वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi K75G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo V45G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में K70 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है।
परफॉर्मेंस में K70 आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 5G है, दूसरा Vivo S19 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Civi 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।